टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुमरा के चांद नगर इलाके में और आपको बता दें कि इस वक्त जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं ये डायमंड बिल्डिंग है। चांद नगर इलाके में ये डायमंड बिल्डिंग जो दो मंजिला इमारत है, ग्राउंड प्लस टू का ये डायमंड इमारत है, लेकिन इस इमारत में जो रहने वाले लोग हैं वो काफी डरे सहमे हैं और डरे सहमे होने की वजह जो है कि ये इमारत काफी जर्जर हो चुकी है और कभी भी यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है जिसकी वजह से लोगों की जान भी इसमें जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इस इमारत में जितने भी रूम है, जितने भी मकान है, कहीं ना कहीं उन मकानों में दरार पड़ चुका है और आज से दो दिन पहले ही यहाँ का जो ये पहला मंजिला है डायमंड बिल्डिंग का, यहाँ का जो है एक स्लैब गिरा था। आपको दिखा देंगे कि ये स्लैब गिरा, हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ये तस्वीरें आप देखेंगे कि कितनी भयानक है। इसके ऊपर जो दूसरे मंजिले पे जो लोग रहते हैं वो लोग भी अगर ये गिरा बाई चांस, ऐसी इस तरह से आप देखेंगे कि ये लकड़ियां लगाकर इसे रोका गया है। अगर ये पूरा स्लैब गिरता है तो इसमें बड़ा हादसा हो सकता है, ऊपर के जो लोग रहते हैं उनकी भी जान जा सकती है, जो इसमें नीचे के साइड में जो लोग रहते हैं उनकी भी जान जा सकती है। और आप ये देखेंगे तस्वीर की कितनी भयानक स्थिति है। और ये इनका घर है, ये इसमें ये रहते हैं, लेकिन सिर्फ जितने दूर में ये बैठे हैं आप देखेंगे कि पूरे घर का सामान जो है ये इतने ही एक कैपेसिटी में, इतने में ही ये एडजस्ट करके इतने में ही ये रह रहे हैं, क्योंकि इमारत जो है ये इनका जो घर है ये डायमंड बिल्डिंग ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आप तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि ये पूरी तरह से जो है इमारत जर्जर हो चुकी है और स्लैब दो दिन पहले बताया जा रहा है कि गिरा था और इस तरह से यहाँ पर ये लकड़ियां लगाकर जो है इसे रोका गया है। यानी कि स्थिति जो ये डायमंड बिल्डिंग की है ये काफी जो है खतरनाक हो चुकी है, कभी भी हादसा हो सकता है। आपको बता दें अभी एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं, कल्याण फाटा पर एक पांच मंजिला इमारत का हिस्सा जो है रात के समय गिर गया था, लेकिन मुमरा के चांद नगर इलाके में ये जो डायमंड बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस टू ये भी काफी धोखादायक है और इसमें लोग रह रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, ये जो स्लैब गिरा है यहाँ पर स्थिति किस तरह से है, जो यहाँ पर इस रूम में रहते हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीश नाम है। ये आपका रूम है? नहीं, भाड़े पर। भाड़े पर किससे लिए थे किराए पे? आजम भाई, आजम। भाड़े पे हैवी डिपॉजिट पे या किराए पे? कैसा था? कितना दिए थे? 2 लाख। 2 लाख रुपए दिए थे। ये हादसा दो दिन पहले हुआ? हाँ, दो दिन पहले। तो आप यहाँ कितने साल से रह रहे? 1 साल हुआ? 2 साल? 2 साल होने वाले। 2 साल होने वाले। तो उनसे बताए नहीं आपकी ये स्थिति इतनी खराब है, कभी भी हादसा होगा, जान जा सकती है आपकी, आप इतने से जगह में बैठकर एग्जिस्ट किए सामान रह रहे हैं यहाँ पर, बोले नहीं जो मकान मालिक से आपने? नहीं, 1 साल से हम बोल रहे हैं, बोले बनाऊंगा। 1 साल से बोल रहे हैं? हाँ। क्या बोल रहे हैं? बना के दो, नहीं कभी ऊपर गिर जाएगा, वो तो बच गए हम लोग। कितने लोग रहते हैं इसमें? आप बस 2 जन रहते। हाँ। बिल्डर से भी कुछ संपर्क वगैरह? नहीं, बिल्डर से नहीं, सिर्फ वो घर मालिक, मकान मालिक। अगर बाई चांस आप यहाँ रात के समय सोते हैं और ये पूरा हिस्सा अगर गिर गया, क्या करेंगे आप? तो अभी कहाँ जाएंगे, पैसे भी नहीं दे रहे हैं, कहीं और चले गए। आपने बनाने के लिए नहीं बोला? वही रोज बोल रहे, 1 साल से बोल रहे हैं लोग, चिल्ला रहे बना के दो। अभी गिरने के बाद? नहीं, गिरने से पहले फटा हुआ था ना ऊपर। गिरने के बाद ये गिर गया तो फिर आपने नहीं बताया कि ये गिर गया है, हादसा हो गया है? हाँ, तो बोले बना के देता हूँ, आए देख के गए, बोले बनाता हूँ। तो आपने सुना कि जो मकान मालिक है उन्हें भी इसकी जानकारी दी गई, दो दिन हो गया ये यहाँ से स्लैब गिरा और इस स्थिति में यह है जो काफी भयावह है। और इस मकान के ऊपर जो मकान है और वो महिला भी यहाँ पर मौजूद है, सुनिए क्या नाम है आप? नाजिया शफीक खान। इसके ऊपर जो मकान है, हाँ, अभी आपने जिसका मकान है उससे बात किए? बिल्डर से बात की, इम्तियाज करके बिल्डर है, लेकिन इम्तियाज धूम करके उनका नाम है, मतलब उनका शोरूम भी है,
उधर किधर हो? कौसा कब्रस्तान के पास, मिलियम के पास, उसका बड़ा शोरूम है। 4 दिन हुआ वो मेरा फोन भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया उसने, और किसी से उनका कांटेक्ट हो रहा है, उनको सब मालूम पड़ रहा है, लेकिन हमारा फोन उठा रहे नहीं है। अच्छा, ये 2 मंजिला जो बिल्डिंग है डायमंड, इसका कभी आप लोगों को किसी को नोटिस वगैरह मिला है धोखादायक का? नहीं, भाभी मिला नहीं, नहीं मिला नोटिस। हम लोग बोले भी बिल्डर को काम करो करो, हाँ करूंगा करूंगा, बस करूंगा ही बोलता है। और अभी ज्यादा हुआ, लेकिन 4 दिन में एक बार भी वो ढाकने आया नहीं। अभी तो स्थिति काफी भयानक है, और नीचे से उसे लगा के रोका गया है, लेकिन उसके ऊपर आप ही लोग रहते हैं, आपके परिवार में कितने लोग? हम, मैं और मेरे मियां और मेरा बेटा है। अभी रात में अगर गिर गया तो क्या करेंगे? ये देखो, यहाँ हम लोग बाहर बैठते हैं दिन भर, मेरे घर में काटते हैं, इनके यहाँ घर में खाना पाना हो रहा है। और भी जो मकान है यहाँ पर, मकानों में भी दरार वगैरह है? कितने? ये रूम में भी दरार है, ये 16 रूम में दरारें पड़ी है, पूरी इमारत, मतलब ये धोखादायक है पूरी। ये देखो ना, पूरा धोखादायक है, मैं खुद बोल रही हूँ तुमको। कितने साल से आप लोग ले रहे हैं? क्या खुद का है? हाँ, मेरा खुद का है, 2 साल हुआ। अभी ये जो मकान मालिक है इनके जिसमें रह रहे, उनसे, हाँ उनसे भी बातचीत आपने की है बनाने के लिए? आया था, आज आया, जिस दिन टूटा था ना उस दिन मैं खुद गई थी, इन लोगों को लेके गई, मैंने बहुत गंदी गंदी गाली दी, बोली, सब कुछ करी, मगर आजम सामने आया नहीं। उसके बेटा बोलता मेरा बाप है नहीं, और मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं आजम भाई से। जब ये मकान गिरा था उनका क्या काम था? आना चाहिए ना यहाँ पर कि चलो भाई मकान गिर गया, मैंने हैवी पे 2 लाख पे दिया, उतने जहीब बुढ़ा बुढ़ी, आप देख लो वो बुढ़ी कितनी जहीब है, फिर भी वो नहीं आया। उनके मैंने वहाँ जाके इतनी गंदी गंदी गाली गलौज करी, दुनिया का लड़ी, तो फिर भी नहीं आया। आज तीसरा दिन हो गया, 3 दिन के बाद में वो आज, वो भी जब उसकी ये घर की अखिलियत पता चली कि किसी और को बेच दिया, किसी और को हैवी पे दे दिया, तब जाके वो आया था। वो भी आके बोलता है कि हाँ बना दूंगा ना बना दूंगा, मगर अभी तक कुछ भी नहीं किया उसने, ना उस घर में भी नहीं घुसा, वो ना घर में घुसा, ना देखा ना करा, बस इन लोगों को बोला है, किसी को कुछ बोलना नहीं, मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम लोग खाली करो, ये रूम वाले को भी, ये रूम वाले को भी, इसको भी, क्योंकि तीनों रूम आजम के ही है। वो इतना लोचेबाज आदमी है ना, उसने पता नहीं किस किस को बेचा क्या करा, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, मगर इस बारे में हमने बात करे तो बस हाँ हाँ बोल के बुढ़ा बुढ़ी को इतना डरा के रखा है कि इन लोगों को बोला तुमको पैसा दे दूंगा, मगर दिया भी नहीं अभी तक के, ये हाल है उसका। आप लोग पूरे परिवार, पूरे परिवार से है, अगर हादसा हो गया बाई चांस रात में हादसा हो गया तो क्या करेंगे? ऐसे ही पड़ा होता तो ये लोग बाहर बैठे थे, इन लोग सब बाहर की बाहर बैठे थे, मगर हम लोग चुप थे, बोलते तुम्हारे घर का गिरा है क्या, तुम चुप बैठो, इसके लिए हम लोग भी चुप थे, मजबूर थे, कुछ बोल नहीं सकते घर की। मेरे घर के नीचे की स्थिति इतनी खराब है कि मैं आजम को बोल बोल के थक गई हूँ, मगर वो क्या नाम है उसका, आजम भाई सुन नहीं रहे मेरे घर के नीचे का, थक गई हूँ मैं बोल बोल के उसको। उसको इम्तियाज करके आ रहा है, आया। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये जो डायमंड बिल्डिंग है और यहाँ पर ये काफी धोखादायक हो चुकी है, बताया जा रहा है कि जो है ये क्या नाम है? इम्तियाज नाम, बिल्डर मतलब ये जगह का मालिक हूँ यार मैं, लैंडलॉर्ड, पूरे एरिया का लैंडलॉर्ड मैं हूँ। ये बिल्डिंग 70 को बनाने दिया था, अभी तो ये सब धोखादायक हो गई है, इमारत गिर गया, सीलिंग गिर गया, रात में अगर हादसा हो गया। ये देखिए, ये 2 साल पहले जो है ना, जरा भाभी बोलने देंगे क्या, बोलने देंगे, 2 से 3 साल है ना पहले ऑडिट कराया गया था इस बिल्डिंग को, ऑडिट करने के बाद पूरा ये सब कलर वाला उसी टाइम हुआ था, पूरा चारों तरफ प्लस्तर लगा था, नीचे एक जैकेटिंग दी हुई है, कॉलम एक्स्ट्रा देने बोला था वो दिए थे, और अंदर जो है सबको रिपेयर करने बोला गया था। ये तो अब भी आए हुए 1 साल पहले 2 साल पहले, ये नीचे वालों को रिपेयर करने बोला गया था कि आप निकाल के इसको छील के अंदर का रिपेयर करो, आउटर का हो गया, उन लोग ने किए नहीं। आजम नामी शख्स है, उसके 102 और 104, उसको 4 पॉइंट टाइम बुला गया था कि प्लस्तर कर, वो क्या करता है लाटा ऊपर माल चढ़ा देता है, उसके वजन से पूरा वो जाली गिर गई। बिल्डिंग का कॉलम कुछ खराब नहीं है, ऑडिट करवा ले कुछ भी करवा ले, कॉलम बीम सब मजबूत है, और 2 माले 5 माले का फाउंडेशन है नीचे। वो सीलिंग जो गिरने की वजह है, वो जो प्लस्तर होता है वो उठा उठा के डबल टिबल करा, जबकि उसको लास्ट टाइम बोला गया था कि 60-60 हजार निकालो, मैं खुद प्लस्तर करवा के देता हूँ। उन लोग बोले नहीं, हम अपने हाथ से करेंगे, और लाला के माल मारते गए, वो वजन से जाली गिर गई।
थाने महानगर पालिका को इस इमारत को जो डायमंड इमारत है चांद नगर में, इसको जो है संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसमें दरार यहाँ पर पड़ रही है, और आप देखेंगे अगर जो सीढ़ी है, सीढ़ियों की हालात भी काफी खराब हो चुकी है। ये आप सीढ़ी देख रहे हैं, काफी जो पानी, बारिश का पानी है, वो सीढ़ियों से भी ऊपर से नीचे की तरफ टपकता है। ग्राउंड प्लस टू मंजिला ये इमारत है, और काफी जो है ये इमारत धोखादायक है। हम आपको नीचे से भी तस्वीरें दिखाते हैं, कि ये ग्राउंड प्लस टू मंजिला जो इमारत है काफी धोखादायक है। अगर वक्त रहते इस इमारत पर अगर इसे दुरुस्त नहीं किया गया, इसे बनाया नहीं गया, और थाने महानगर पालिका इस इमारत को संज्ञान में नहीं लेती है, तो आगे चल के ये एक बड़े हादसे का रूप ले सकता है। और इस इमारत में अगर हादसा हुआ तो किसी की भी जान जा सकती है। कैमरामैन विजय के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।